हेलो दोस्तों दोस्तों आपका ट्रैवलर इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम किरतपुर मनाली फोर लेन के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों मंडी हिमाचल प्रदेश में किरतपुर मनाली फोर लेन के क्षतिग्रस्त भाग के डिजाइन में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन हो चुका है और इसकी DPR के लिए मंजूरी भी दी जा चुकी है। दरअसल हाल ही में खत्म हुए मानसून सीजन में मंडी से मनाली तक भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने से फोर लेन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ऐसे में कहीं कहीं तो फोर लेन का नामो निशान तक मिट गया था। ऐसे में अब यहाँ पर फोर लेन को उसके मौजूदा स्थिति पर फिर से बना पाना संभव नहीं था। इसके लिए NHAI ने प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के रूप में इसको अलग से मंजूरी दी है और इसके डिज़ाइन में कुछ बदलाव किया है ताकि इसे फिर से अलग तरीके से बनाया जा सके और जिसके लिए DPR पर काम चल भी रहा है। दोस्तों किरतपुर मनाली फोर लेन प्रोजेक्ट का कार्य जून 2024 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इस कार्य को पूरा होने में कम से कम 2 वर्षों का अतिरिक्त समय लग जाएगा। दोस्तों बता दें कि किरतपुर से मनाली तक लगभग 190 किलोमीटर के भाग पर मंडी से मनाली के बीच फोर लेन को भारी क्षति पहुंची थी। यहां पर 20 किलोमीटर के भाग में फोर लेन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके लिए अब अलग तरीके से इसको बनाने की कवायद जारी है। दोस्तों और इसमें यह भी माना जा रहा था कि इसके बनने के बाद एक हिमाचल सरकार को अलग से इसमें रेवेन्यू भी जनरेट करके देगा। दोस्तों चंडीगढ़ से मनाली की जो दूरी है कम करने वाला हाईवे बनकर तैयार हो चुका है। अगर इसकी पार्शियल अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें हिमाचल के पर्यटन को नए पंख लगने वाले हैं और अब प्रदेश सरकार इस फोर लेन में अति विशिष्ट होटल की शुरुआत पर कमाई के लिए कार्य आगे बढ़ा रही है, क्योंकि इस लेन में होटल बनने से काफ़ी वहां के स्थानीय निवासियों को फायदा होने जा रहा है पर्यटन में, क्योंकि विश्व भर से हिमाचल में पर्यटन को एक अलग आयाम माना जाता है। इसमें देश भर में कई लोग सड़क के द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं हिमाचल में। ऐसे में सड़कों के नए जाल बिछाते हुए जब नज़र आएंगे और अच्छे सड़कें मिलेंगी तो यहाँ पर पर्यटन और भी बढ़ेगा। इससे टॉल में बढ़ोतरी मिल जा सकती है सरकार को और इससे वहाँ के आम निवासियों को भी फायदा होगा, क्योंकि वहाँ इसके बाद कई होटल्स भी बनेंगे। जहाँ किरतपुर मनाली फोर लेन हाईवे में अति विशिष्ट होटल खोलने से पर्यटकों को सुविधा मिल सकेगी और वहीं पर्यटन विभाग निगम भी इन होटलों में ज़बरदस्त कमाई भी कर पाएगा, क्योंकि वहाँ जब हाईवे बन जाएगा तो एक बड़ा हिस्सा वहाँ पर अट्रैक्ट होगा। साथ ही दोस्तों पर्यटन राज्य हिमाचल प्रदेश के DGP में पर्यटन कारोबार का लगभग 4.3% हिस्सा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लाखों लोग पर्यटन कारोबार से ही अपने घर चलाते हैं और गुजर बसर करते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होने जा रही है। दोस्तों साथ में यह भी बता दें कि किरतपुर नॉर्थ चौक फोर लेन का जो ओपनिंग है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बनाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब से मनाली पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये खास रोड अपने में माना जा रहा है। साथ ही दोस्तों किरतपुर मनाली फोर लेन जो 11 साल का जो काम है वो लगभग 14 टनल्स का और लगभग 4200 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। इसको पार्शियली ओपन कर दिया गया है लेकिन इसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, क्योंकि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद किरतपुर नॉर्थ चौक मनाली फोर लेन खुल तो गया है, क्योंकि वहां जनता आवागमन रोड पर करना शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से मनाली तक बन रहे इस फोर लेन का किरतपुर से नॉर्थ चौक का हिस्सा पार्शियली ओपन कर दिया गया है।
इसके बाद दिल्ली से मंडी तक पहुंचने के लिए 8 घंटे ही लगेंगे, यानी चंडीगढ़ से अब 3.5 घंटे में मंडी पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, इससे आम जनता को काफ़ी फायदा होने जा रहा है। जो लोग रोड के जरिए मंडी तक का सफ़र या हिमाचल घूमने का सफ़र तय करना चाहते हैं। दोस्तों, कीरतपुर मनाली फोरलोन पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जगह जगह कैमरे भी लगाए गए हैं, साथ ही यहां पर हाईवे पर स्पीडोमीटर भी लगाया गया है जिसने वाहनों की स्पीड का पता चल सके। ऐसे में किसी भी तरह के कैमरे भी लगाए गए हैं जिनमें किसी गलत चीज़ को रोका जा सके समय पर। इसमें और यह भी है दोस्तों कि 11 साल के बाद यह जो लंबा इंतज़ार था इस लेन को, हालांकि पार्शियली सही लेकिन ओपन तो कर ही दिया गया है आम जनता के लिए। इसमें कीरतपुर नौरचक मनाली फायर लेन में लगभग 11 साल का जो वक्त लगा, इस मार्ग पर लगभग 4200 करोड़ रुपए खर्च हुए। हालांकि अब तक केवल मंडी के नागचला तक ही यह फोर लेन पूरी तरह से खोला गया है, लेकिन मंडी से आगे का यह निर्माणाधीन पंडोह के पास फोर लेन के कुछ हिस्से का निर्माण हुआ है और यहाँ पर 5 टनल्स को ट्रैफिक के लिए खोला गया है। इस पूरे मार्ग पर टॉल प्लाजा लगभग 4 रहेंगे और मनाली तक पहुँचने के लिए एक तरफा करीब करीब 700 रुपये से अधिक का टॉल चुकाना होगा। ऐसे में फोर लेन की वजह से चंडीगढ़ से मंडी तक का सफ़र 37 किलोमीटर कम हुआ है और कीरतपुर से नौरचौक तक की जो दूरी 114 किलोमीटर की है, जो कि अब 77 किलोमीटर की रह गई है। ऐसे में इस मार्ग पर कीरतपुर और नौरचौक के बीच लगभग 5 टनल बनाई गई है और कुल 14 टनल और छोटे बड़े 37 पुलों से होकर वाहन गुजरेंगे। इससे लोगों को आसानी होगी। इसमें स्पीड लिमिट भी लगाई गई है और स्पीड लिमिट कम से कम 80 से कम होनी चाहिए ऐसा माना जा रहा है। और इसमें देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इस फोर लेन पर वाहनों की स्पीड 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा सरकार ने इसे आवंटन किया है आम जनता के लिए, ताकि यहाँ पर कोई हादसा न घट सके। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।